आखिरी बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 8 महारथी, 3 भारतीय क्रिकेटर्स के नाम जानकर नहीं होगा यकीन। जानिए कौन है वो 8 महान खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप 2023 में आखिरी बार आ रहे हैं नजर, इसके बाद वो कभी नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप। इनमें से 3 खिलाड़ियों के नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर फैंस के दिल टूट सकते हैं। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से खिलाड़ियों का नाम शामिल है। विराट कोहली, जी हाँ, ये नाम सुनकर तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे, ऐसा हो भी क्यों ना। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली यदि वर्ल्ड कप में नजर न आए तो ये टीम के लिए बहुत बड़ी कमी होगी, लेकिन कोहली का अगले वर्ल्ड कप में खेलना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। दरअसल कोहली इस बार 35 साल के हो गए, ऐसे में 4 साल बाद उनका वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल सा लग रहा है। हालांकि कोहली फिटनेस के मामले में सबसे आगे हैं, और अब वो 2027 में आने वाला वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्विंटन डीकॉक, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने भी पहले ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस बार वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेंगे और ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। बता दें कि क्विंटन डीकॉक अब तक 17 वनडे शतक लगा चुके हैं। क्विंटन डीकॉक पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और अब वो सिर्फ T20 ही खेलेंगे। रोहित शर्मा, भारत के रन मशीन रोहित शर्मा का भी 2023 वर्ल्ड कप आखिरी हो सकता है। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा अब 36 साल के हो चुके हैं, जब तक अगला वर्ल्ड कप होगा तो उनकी उम्र 40 हो जाएगी, ऐसे में उनका 2027 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल लग रहा है। जानकारी के मुताबिक BCCI ने तो अभी से ही T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंपने का फैसला कर लिया है। डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टार ओपनर डेविड वार्नर वर्ल्ड कप 2023 में चौको छक्कों की बरसात कर रहे हैं। वार्नर ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रमुख ओपनिंग बल्लेबाज हैं। कहा जा रहा है कि इन दिनों डेविड वार्नर के संबंध ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहे, ऐसे में 36 साल के डेविड वार्नर ने तो अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेकर कॉमेंट्री कर सकते हैं, ऐसे में डेविड वार्नर का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। शाकिब अल हसन, 36 साल के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का इस बार आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। शाकिब साल 2006 से बांग्लादेश टीम के लिए अपनी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका 5वां वर्ल्ड कप है जो आखिरी भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद शाकिब क्रिकेट से रिटायरमेंट का मन बना रहे। रविचंद्रन अश्विन, भारत के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी अगले वर्ल्ड कप में शायद ही नजर आएंगे। दरअसल इस साल रविचंद्रन अश्विन 37 साल के हुए, ऐसे में 2027 का वर्ल्ड कप खेलना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है। वर्ल्ड कप टीम में सेलेक्ट होने के बाद अश्विन ने एक बयान में कहा था कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट के बाद वो टेस्ट में खेलते नजर आ सकते हैं। मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी साल 2027 में होने वाला वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे। मिचेल स्टार्क 2015 और 2019 दोनों वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इन दोनों टूर्नामेंट में वो सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, लेकिन इस बार उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। दरअसल चोट और बार बार पीठ में दर्द होने के कारण उनके करियर पर प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही अब मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं। ट्रेंट बोल्ट, कीवी टीम के शानदार खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट का इस बार आखिरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है। जानकारी के मुताबिक 34 वर्षीय कीवी पेसर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराकर खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर कर लिया था, ऐसे में अब ये कीवी तेज गेंदबाज 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए पहले ही टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं। इन धुरंधरों में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।